तो ये कहाँ जा रही है? देखो भाई ओ तेरी फोन निकाल लिया, फोन निकाल लिया, निकाल लिया, निकाल लिया, पता नहीं चला सर। ओ तेरी मुझे भी ऐसा लगा, अंकल अंकल फोन पे बात कर रहे हैं। कौन सा फोन? मैंने कोई तूने चोरी किया अंकल, इसी के पास है मेरा फोन। कौन सा फोन? जल्दी चल थाने, चल चल थाने लेके चल, बता बता थाने चल। अच्छा गाली बकेगी, गाली बकेगी। यार यहाँ पर जो है ना, देखिए ये लड़की काफ़ी संदिग्ध लग रही है मुझे, काफ़ी देर से ये कर क्या रही है यहाँ पर? एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से बारिश में यार, अरे अरे ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है? देखो भाई ओ तेरी फोन निकाल लिया, फोन निकाल लिया, निकाल लिया, निकाल लिया, पता नहीं चला सर। ओ तेरी मुझे भी ऐसा लगा, अंकल अंकल फोन पे बात कर रहे हैं। ओ तेरी निकल गई, निकल गई, निकल गई, ले ले कहाँ कहाँ घुसा ले, कहाँ घुसा ले, कहाँ घुसा ले, कहाँ ये कहाँ गई, कहाँ गई? ओ तेरी भाग गई, भाग गई। अंकल को बताता हूँ मैं, एक मिनट। हेलो हेलो अंकल, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक मिनट अंकल, आपका फोन कहाँ है? येरा, आपके पास कोई और भी फ़ोन है? कहाँ, एक बार चेक करो। तूने तो नहीं लिया? मैंने लिया अंकल, मैं एक तो बताना है आपको, कोई फ़ोन ले गया आपका? भाई तेरे अलावा कौन है यहाँ पे? ये मेरा फोन देखा पे। अरे मेरे पास नहीं है अंकल, कैसी बातें कर रहे हो, चेक कर लो, लो लो चेक कर लो। मैं एक तो मैं हेल्प करने आया हूँ यार, ऊपर से यार ये ऐसे कर रहे हैं, देखो मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर रखी है। ओ भाई तो मेरा फोन कहाँ पे गया, तुझे कैसे मालूम मेरा फोन? अंकल मैं क्यों लूंगा, मेरा गिरेबान पकड़ दे यार, ये तो यार भलाई का जमाना ही नहीं है बिल्कुल भी। भाई मेरा फोन ये नहीं, तुम्हें आपका फोन यहाँ पर आप बैठे हुए थे, मेरा हाथ तो छोड़ो अंकल, दर्द हो रहा है। अंकल आप एक बार चेक कर लो, अभी अभी देखो, अगर आप लेट करोगे ना वो लड़की भाग जाएगी, यहाँ से पीछे से आई फोन लेके चली गई आपकी, है इधर से आई थी, इधर से आओ एक मिनट आओ मेरे साथ, किधर अंदर ही गई थी ना वो। अंकल जी मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप उल्टा मेरे को कर रहे हो, किधर गई उधर, नजर भी नहीं आ रही, किधर भग गई, कहाँ 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 कहाँ, पूरी पूरी जल्दी आओ अंकल, जल्दी आओ, मैं पकड़ रहा हूँ। ओए लड़की रोक, की बहन की यार, एक मिनट क्या करना है, रुक एक मिनट, कहाँ भाग रही थी? क्यों अंकल जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी मर्जी के, मैं जा रही हूँ, कहाँ भाग रही है? अपने घर जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही हूँ, तुझे क्या इधर, करना है? इधर साइड में, तुझे क्या करना है, मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है, फोन है अंकल इसी के पास है फोन आपका, तुझे कैसे पता कौन सा फोन? चोरी किया है तूने, चोरी किया है फोन, कौन सा फोन, कौन सा फोन, मैंने तूने चोरी किया अंकल इसी के पास है, कौन सा फोन, मेरे पास कोई फोन नहीं है, क्यों मुझे क्यों रोक रहा है, हट ले यहां से। देख मेरे लड़की के लिए नया फोन लिया मैंने, समझी ना, कौन सा फोन लिया तूने, मेरे पास कोई फोन वोन नहीं है, मेरा इसने देखा, मैंने देखा है वहाँ पर तुम चोरी कर रही थी, मैंने तुम्हें पुलिस को बुला लूंगा, चोरी नहीं किया, पुलिस को क्या, तू क्या बुलाएगा, मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगी, मेरा ओ हेलो तमीज में ठीक है, तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, कौन है, क्यों रास्ता रोक रहा है मेरा, तू क्यों अंकल का फोन चुरा के भागी है, फोन दे दे चैन से, देख लड़की इस वजह से तुझे कुछ कह नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है फोन दे दे चुपचानी से, कौन सा फोन दे दूं, मेरे पास है नहीं तो, अरे तू पागल है क्या, मेरी लड़की के लिए मैंने लिया हुआ है, तो मैं इतना अमीर नहीं हूं, तू जाके तू देखना कहां गया तेरा फोन, मैंने थोड़ी लिया है, उसके वहां पे तेरे अलावा कौन आया, हां शरीफ घर से दिख रहा है, ठीक है कितनी शरीफ है, अरे ये काम नहीं करती बस चोरी हो रही, ठीक है दिख रहा है, इल्जाम मत लगा, ठीक है चुपचान से फोन दे दे, वरना मेरा हाथ वाथ उड़ जाएगा और कुछ नहीं, छोड़ मेरा, ठीक है, ओ हेलो मैडम जो कोई भी हो फोन दे दो वरना हाथ उड़ जाएगा मेरा, ठीक है अच्छा नहीं होगा, जानती नहीं हो कौन हूँ मैं, देख कौन है तू, मैं देख मैं इतना अमीर नहीं हूँ, तू मुझे नहीं जानता अभी, देख भाई मैं इतना अमीर नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरा फोन मेरी लड़की होता है, मैं भी गरीब हूँ, मैंने कोई फोन नहीं, तो तू गरीब है तो मेरा फोन चुराएगी क्या, मैंने कौन सा फोन चुराया, देख लड़की फोन दे दे चुपचानी से, ठीक है तूने जहाँ भी रखा कहाँ फेंका बता दी, मुझे देख जल्दी बता, ठीक है जल्दी बता, कहाँ है फोन, कहाँ अंकल जल्दी जल्दी दे, तूने लिया बोल देना,
ये खुद क्या इन्होंने देखा था मैंने तेरे इधर 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 फोन देगी नहीं देगी जल्दी बता वरना मैं फिर थप्पड़ों की बरसात कर दूंगा। जल्दी दे फोन दे फोन दे जल्दी तूने जहाँ भी रखा है देख सच बोल दे तू लड़की है इस वजह से कुछ नहीं कह रहे तुझे इतना अमीर नहीं हूँ भाई गरीब हूँ भाई मैं हाथ जोड़ो मेरा फोन तो दे अंकल देख कितने गरीब है यार देख मैं खाली हूँ मतलब तुम लोग मेरा रास्ता नहीं छोड़ोगे बुलाओ पुलिस को भी अरे पुलिस एक तो तू फोन पूरी कर रही है और तू पुलिस को बुलाएगी अब खुद बुला देख चुप चैन से दे देख क्योंकि तूने चोरी करी है ना या नहीं सच सच बता मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की देख मैं बता रहा हूँ तो ये फिर मैं थाने ले जाऊंगा और कुछ नहीं थाने क्यों लेके जाऊंगा मैं अपने घर जा रही हूँ तो तो मेरा फोन ले तूने फोन क्यों चुराया बता तेरे हाथ पैर नहीं है कमा के नहीं खा सकती क्या हाथ पैर है मैंने कोई फोन लिया ही नहीं है देखो बेचारे कितने बुजुर्ग हैं होता भी ना अरे ये कितने एक ने एक मिनट इस लड़की ने ना मेरा फोन चुराया रुक जा मैं बाद में बात करता हूं मैंने फोन उन्होंने चुराया ठीक है इसको बंद कर ले वो तमीज में ठीक है आगे बात सही में अंकल ये ऐसे नहीं मानेगी वो फोन देगी या देगी मेरा फोन अंकल इसी के पास है फोन आपका इसी के पास है पूछो क्या सबूत है मेरे देख सामने वीडियो बन रही है ठीक है देख तूने चुराया चुपचाप से दे दे वीडियो में क्या सबूत है वीडियो में क्या अंकल देखो लाइव में आपको दिखा दूंगा अभी पहले से फोन पूछो कहाँ है मेरा फोन रखा कहाँ पे तूने फोन देगी या नहीं देगी ये बता मेरा फोन दे देख मेरी लड़की का फोन है उसकी उसको स्टडी करने के लिए लेके ये रहा ये रहा जल्दी अंकल देखो ये रहा ये किसका फोन है ये क्या है निकाल अंदर से बाहर निकाल ये दिखा अंदर से बाहर निकाल जल्दी बाहर बनवाने गई थी क्या बनवाने गई थी सच बता मेरा फोन है ये फोन मेरा है ये अबे अरे मेरा फोन है देख सच बता रही है नहीं बता रही सच कह रही हूं मैं मेरा फोन है मैं इसको दुकान पे बेचने गई थी बंद लेके ये फोन को भाई यार ये फोन स्विच ऑफ हुआ था मैंने अभी रखा नहीं तो मैं अभी कॉल करके देखता इस बार ये फोन स्विच ऑफ है समझे ना मेरा है मैं उसकी बैटरी डाउन हुई मैं दुकान पर देने गई थी अरे मेरा फोन है क्या अंकल कॉल करो आप एक बार इसको लेकिन इसकी बैटरी डाउन है अच्छा तो ये फोन किसका था मेरा मेरी लड़की के लिए लिया हुआ यार अभी तो लेके आया था देखो कितने गरीब है देख सच सच बता दे बता रही नहीं बता रही मेरे पास बिल भी है यार इसका अच्छा बिल भी है फिर देख ले अब एक काम करते हैं देख चैन से बता दे देरी नहीं देरी ला फोन दे ली जल्दी दे बता रही है मैंने दुकान अरे मेरा फोन मेरा है ये अंकल देखो मेरी मानो इसे थाने लेकर के चलते चलिए हाँ सबको बुलाना वहाँ पर ठीक है इसे तो मैं बताऊंगा अब एक काम कर दे चलेगी चलेगी चैन से चल ले बता रहा हूँ मैं थाने चलेगी तू चल जल्दी चल जल्दी चलेगी नहीं चलेगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी मैं थाने वाले नहीं जाऊंगी नहीं जाएगी जल्दी चल थाने चल चल थाने लेके चल बताएगी नहीं बताएगी बताएगी नहीं बताएगी तेरे थाने लेके आऊंगा मैं बता बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता पुलिस वाली आएगी ना देगी देगी शक्ल से तो इतनी अच्छी लग रही तू हाँ ऐसी हरकतें कर रही है फोन दे जल्दी क्यों चीन मेरा है ना ये देरी इन देरी मेरे पास बिल है भाई क्या देगी या नहीं देगी ये बता फोन क्यों फोन दे जल्दी जल्दी दे फोन ये मेरा है देख सच बता दे दे ठीक है चुपचाप से मैं तुझे कुछ कौन है तू ये बता मैं अभी एक मिनट में फंसा सकती हूँ यहाँ पे तुम लोग को कि मुझे अबे तू फोन मेरा चोरी करेगी और हमें फंसाएगी मैंने कौन सा फोन चोरी किया ये वाला मेरा रास्ता रोक रही है काम कर अबे जो है ना तुम वीडियो बनाते रहियो और थाने चल अब तू नहीं थाने क्यों जाना है थाने नहीं जाना थाने चल चल थाने चल थाने चल घोसड़े के जानता नहीं तेरे गांड फड़वा दूंगी अभी अच्छा गाली बकेगी हैं गाली बकेगी भगवान तेरे से गाली बोलिए क्या बोल रही थी बोल ओए इधर देख इधर क्या करेगी तू दे रही है नहीं दे रही फोन देगी नहीं देगी या फिर मारूं एक और जल्दी दे जल्दी रहिए किसका तेरा फोन है इनका फोन है जल्दी सबसे बताया कि वीडियो बन जाएगा थाने लेके गए ना अंकल का बिल हो गया सब आ जाएगा सब कुछ मैं घर से बुला लूंगा मैं समझता हूँ अंकल एक एक जैसे दिखने वाले लाखों फोन होते हैं लेकिन मुझे 100% यकीन है कि आपका ही फोन है ये मेरा है अब सच बोल रही है नहीं बोल रही है नहीं गाली किसे पूछ क्योंकि पहले बता देगी नहीं देगी हाँ ना का जवाब दे फोन दे जल्दी चुपचाप शराफत से दे शराफत से दे यार कहते क्यों करती है बता इतनी तकड़ी मोटी तकड़ी है काम नहीं कर सकती काम नहीं कर सकती है हैं ऊपर वाले को दो हाथ दो पैर दिए हम नहीं मिलता तो क्या हम जैसे गरीबों का फोन चुरा लेगी पता कितनी मेहनत से लिया मैंने ये काम कर कर के लिया अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए और तू इसे चोरी करके ले जा अंकल क्या करते हैं आप मैं काम ही करता हूँ बेटे छोटा मोटा
ये भगवान, इस लड़की को देखकर कौन कहेगा कि ये चोर है। दे तो दिया अभी आपका फोन, दे तो दिया। थाने मत ले जाओ भैया, मैं बस थाने तो जाएगी क्या घर चलाने के लिए? घर में कोई है नहीं अच्छी खासी, आप पढ़ी लिखी लग रही है। ये पेट काटा हुआ फोन से घर में कोई नहीं है, मुझे जॉब वगैरह भी नहीं मिल रही, इसलिए मैं ये काम करती हूं। इतनी शक्ल से तो इतनी सुंदर है तू। गाइस शक्ल देखो, ऐसे लोगों की शक्ल देखो ठीक है, ऐसी होती है इनको तो। मैं हाथ तक गंदे हो गया है ऐसे लड़कियों को हाथ लगा के। हाँ ये टैटू, ये कह रही गरीब है, गरीब है ये। ये टैटू देखो, ये टैटू वाली गरीब देख लो भाई। ऐसा ऐसा गरीब तो ऊपर वाला मुझे भी बना दे। भगवान गलती हो गई, मिल तो क्या करे इसका। थाने लेकर के चलो अंकल इसे, चल थाने, चल बता रहा हूँ मैं। वीडियो को थाने मत ले जाओ भैया, माफी मांग अंकल से, हाथ जोड़ के माफ कर दो, दोबारा नहीं ना। हाथ जोड़े, कान पकड़, उठक बैठक लगा, जल्दी उठक बैठक लगा। आ रही है तेरे पे, सॉरी मैं आज की बार नहीं लूंगी। करेगी अब? उधर भी माफी, तू लाखों लोग देख रहे, तू ये पता है मैं कौन हूँ? टाइम का ऑफिशियल सर्च कर लियो यूट्यूब पर ठीक है, पता लग जाएगा कौन हूँ मैं। आज के बाद नहीं करूंगी, सॉरी भैया। करती क्या है? कुछ भी नहीं करती, मतलब बस यही काम होगा है ना तेरा। तो सीख ले, कुछ तो सीख ले, क्या फायदा ऐसा, किसी गरीब की हाय लग जाती है ऐसे। यार इतनी मेहनत से कमा के देखियो, अंकल के पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। और तू मेरा गलती हो गई, तू 18,000 का फोन लिया हुआ है लड़की। ये अंकल देखो, हो सकता है इसने आपका चुराया हो, ऐसी लाखों पत्नी कितने लोगों को चुराती होगी, हो सकता है उनको पता भी। इसे ऐसी छोड़ना ठीक नहीं है सुमित मेरे हिसाब से। वो तो आप लोगों ने, ये तो अच्छा हुआ इन लोगों ने देखा, ये तो मैं तो कर रह गया था, मैं तो बात का बात करने में मशगूल था, तुम तो ले जाती चप्पल। भाई इसे तो मैं थाने लेकर के जाऊंगा, मुझे नहीं पता, देख भागने की कोशिश तो करियो मत, बता रहा हूँ मैं। हाँ चल अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बिल्कुल, थाने चल, मेरे पैर मत पकड़, बता रहा हूँ मैं। आज के बाद नहीं करूंगी भैया, प्लीज माफ कर। एक रैपिड में बहरा कर दूंगा, बता रहा हूँ, सीधी खड़ी हो जा, पैर छोड़ दे मेरे ठीक है, मुझे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता मुझे कि मेरी बराबर के। यार कितनी उम्र होगी तेरी, कितनी है तेरी एज? 25 है, कुछ करके खा ले, तेरे घर वाले ने सिखाया। अच्छा नहीं है, गलती हो गई, दोबारा नहीं, चोरी करना अच्छी बात होती है। तेरे माँ बाप को ये चीज पता लगेगी तो कैसा फील होगा उन्हें, है? तू तो ले जाती है फोन, पता इसे लेने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती, और मेरी लड़की की पढ़ाई का क्या हो जाता है यार। क्या करूं अंकल, बताओ अब, जैसा आप कहोगे वैसा करो। क्या करूं, लेके चले हैं, मैं तो कह रहा थान लेकर के चलो, बाकी जैसा आप बड़े हो ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे करेंगे, बताओ। कभी नहीं करेगी, आज के बाद नहीं करूंगी, पक्का ना? आप ऊपर वाले की कसम का, आज के बाद नहीं करूंगी। जाने दो यार वीर, अगर इतना ही कह रही तो मत किया कर यार भाई, मत किया कर। नहीं करूंगी भैया, प्लीज थाने मत किया करो यार, किसी गरीब को देख लिया करो यार, उसके पता नहीं उसकी कितनी मजबूरियां होती है। भैया गलती हो गई, आज के बाद नहीं। जाने दो यार भाई साहब, अगर इतना ये कह रही है तो वो तो शुक्र करो इनका कि इन्होंने देखा मुझे बचा लिया। वरना अंकल पता है तेरे चक्कर में मुझे पकड़ दे, मेरा कोला पकड़ लिया था अंकल ने, पकड़ लिया क्योंकि तूने चुराया है। अंकल भी माफ कर दो, आज कल नहीं करूंगी। क्या करूं अंकल, छोड़ दो फिर, अब क्या करें, ये कर रहे थे क्या बात। चल निकल जाए यहां से, गाइस शक्ल देखो इसकी, कपड़े देखो कैसे पहन रखे हैं, वही तो टैटू गर्ल, नजर मत आ जियो दोबारा, यहीं आता रहता हूँ मैं। अंकल जी आप भी थोड़ा सा वो करके रखा करो, ऐसा होता है ना बेटा, ये देखो कुर्ते में से है ना, ये अभी तो लेके आया, मैं रखता ही नहीं इसे, ये लड़की का फोन है मेरे, उसी को देना था, वो कॉलेज की पढ़ाई। अच्छा अच्छा, स्टडी वगैरह के लिए काफी काम आता है इंटरनेट। मैं तो ये सिंपल फोन रखता हूँ भाई, मुझे क्या जरूरत है। अंकल जी आपने मेरे गिरेबान पकड़ लिया, अच्छी बात थोड़ी है। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ और अपनी बदतमीजी के लिए माफ, क्योंकि मैं भी हड़बड़ा गया था, मुझे लगा यार एकदम आप पूछ रहे हो कि फोन कहाँ पे, मुझे वहाँ पे नजर भी नहीं आ गई, इसलिए मैंने आपका किया। नहीं अंकल जी बस अब आप ऐसे मत करिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने मुझे कम से कम 15,000-20,000 रुपए से बचा लिया। हाँ वही तो, महंगा फोन था काफी, तो वही अंकल ध्यान रखो, हाथ में रखो, बस स्टॉप वगैरह बस के अंदर जो ना काफी चोर वगैरह होते हैं, तो गाइस मैं तो अभी से इसमें लपेट कर रखूंगा भाई। हाँ और गाइस वीडियो शेयर करते रहना ठीक है, इस लड़की के माँ बापों तक पहुँचना चाहिए, मैं तो थाने लेकर गया था लेकिन अंकल ने मना कर दिया। ठीक है वीडियो इतना शेयर करना कि इसके घर वाले तक पहुँचे ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम आ रहा होगा फॉलो कर लेना ठीक है। अंकल जी ध्यान से जाइएगा आप ठीक है ना, ध्यान से जाइएगा अंकल ठीक है, धन्यवाद।